एंड वेलकम बैक विद द न्यू रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट बिरयानी, जो बहुत ही इजीली बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो बिरयानी बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, प्याज मैंने लिए है 5 से 6 अदद, इनको मैंने काट लिया है। गोश्त मैंने चिकन का लिया है, ये 1.5 kg है। टमाटोज मैंने लिए हैं 5 दरमियाने साइज़ के, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। योगर्ट मैंने लिया है 1.5 कप और बिरयानी मसाले के 2 पैकेट लिए हैं मैंने। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों ने एक बर्तन लेना है और उसमें ऑलमोस्ट 1/2 कप जो आपने ऑयल डाल लेना, उसको अच्छे से गर्म कर लेना। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अनियंस ऐड कर दूंगी और इसको हमने अच्छे से पका लेना। इसको अच्छे से हमने लाइट ब्राउन सा कलर दे देना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। प्याज देखिए काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे, फिर इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। चलिए हम इसको कवर कर देते हैं और इसके पकने का वेट करते हैं। तो 7 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसका कवर उठाएंगे और ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब इसी में ये कुक हो जाएगा। तो हम अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें टमाटोज ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने योगर्ट के अंदर ही बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था, वो भी ऐड कर दूंगी और अब इसी के अंदर हम इसको पकने देंगे। अब इसको इतना पकाना है कि चिकन आपका सारा गल जाए। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसको कवर कर दूँगी। तो ये देखिए चिकन जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया, इसका मतलब है चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है और ये अच्छा सा मसाला बन गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और राइस को बॉईल कर लेंगे। तो इतने चिकन के लिए मैंने 1.5 kg ही राइस लिए थे। अब हम एक खाली बर्तन लेंगे और इसमें सालन और चावल के लेयर्स लगा लेंगे जो हमने बनाया था। तो राइस मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे। तो ये देखें एक लेयर जो है वो राइस की लगा ली है मैंने, अब हम इसके ऊपर सालन ऐड कर देंगे। तो ये देखें दूसरी लेयर जो है ये मैंने सालन वाली लगा दी है, अब फिर से मैं इसके ऊपर एक और राइस की लेयर लगा लूँगी। ये राइस की लेयर लग गई, अब हम इस पर एक और सालन की लेयर लगा लेंगे। इसी तरह हम लेयर बाय लेयर बना लेंगे। तो ये देखिए लास्ट लेयर भी लग चुकी है, अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बहुत ही आपने लो फ्लेम पर लगाना है। तो ये दम लग चुका है, अब हम फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है फ्लेम को और ये मैं ओपन करके इन चावलों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा। तो बिरयानी बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने
निकाल ली है। देखिए बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही ईजी इसकी रेसिपी मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।